गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मधु से पार्ट 3 मीठा झरना पढ़ेंगे। ध्यान देंगे कविता की पंक्तियों पर। अकड़ के बोली बोल जलेबी मुस्सा कौन रसीला। इसमें जलेबी जो है अकड़ कर कहती है कि इस संसार में मुझ जैसा रसीला कोई भी मिठाई नहीं है। मुझको चाहे सारी दुनिया गाँव सदर कबीला, मुझको सभी लोग चाहे वो गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हैं सभी लोग पसंद से खाते हैं। रबड़ी बोली चुप हो जाओ मुझको क्या बतलाती। रबड़ी कहती है तुम चुप हो जाओ, आखिर तुम मुझको क्यों बतलाते हो। मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चटकर जाती। जब लोगों को रबड़ी मिलती है तो वो बर्तन चटकर जाते हैं। रसगुल्ले ने देखा सबको हल्की सी मुस्कान भरी। रसगुल्ला जो है इन सबकी झगड़ों को देखता है और हल्की सी मुस्कान करता है। ठीक है, मुझे चाहते राजा रानी बच्चे बूढ़े और मुझे सभी लोग चाहते हैं, चाहे वह बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे परी हो, यानी कि सभी लोग मुझे इस संसार में सभी लोग पसंद से खाते हैं। अब आइए पेज नंबर 26 पे। दूध बीच में आकर बोला मत अब करो बड़ाई। दूध जो है बीच में आता है और कहता है कि अब तुम अपनी बड़ाई यानी कि प्रशंसा मत करो, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई, मेरे ही कारण तुम सबने जो है अपनी शान को बढ़ाई है। मेरे घी में तली जलेबी मुझसे बनती रबड़ी, यानी कि मेरे घी यानी कि दूध से घी किससे बनती है, दूध से, यानी कि मुझसे जो घी बनती है उसमें जलेबी तलती है और रबड़ी भी किससे बनती है, दूध से बनती है। मुझसे बने छेना रसगुल्ला क्यों डिंग हाँकता तबड़े, यानी कि रसगुल्ला भी किसे बनता है, छेने से बनता है और छेना किसे बनता है, दूध से, यानी कि रसगुल्ला भी दूध की सहायता से ही बनता है। आखिर में तुम लोग क्यों डिंग हाँकते हो, आपस में क्यों लड़ाई, यानी कि दूध के कहने का अर्थ ये है कि तुम लोग आपस में लड़ो नहीं। मैं हूँ पिता तुम्हारा सब मुझको करो प्रणाम, मैं तुम सबका पिता हूँ और सभी तुम सब जो है मेरा प्रणाम करो। मिलकर रहना भाई बहनों जाओ अब करो आराम। दूध जो है रबड़ी से रसगुल्ले से और जलेबी से कहता है कि तुम सभी लोग भाई बहन हो और सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए, अब तुम लोग आराम करो ठीक है और अपने अपने घर जाओ। यानी कवि इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस कविता के कवि कौन है, प्राणेंद्र नाथ मिश्र जी। ठीक है, धन्यवाद।